कृष्णा। तो स्कंद के इस अध्याय का नाम है दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना। जैसा कि हम प्रसंग देख रहे हैं कि ये जो दक्ष का यज्ञ का जो आयोजन था वो सब तहस नहस कर दिया गया था। और हम देख रहे हैं कि तात्पर्य में प्रभुपाद जी पहला लाइन में बता रहे हैं कि दक्ष द्वारा आयोजित सारा यज्ञ शिव द्वारा नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। अभी देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि शिव जी द्वारा, लेकिन शिव जी इस यज्ञ में गए थे क्या? नहीं गए थे। लेकिन वहां पर जो माता सती के साथ में जो उनके अनुचर थे वो उनके साथ में गए थे। मतलब यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि जब एक स्वामी है और उनके जो सेवक या उनके जो अनुचर होते हैं उनके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उनका जो भी फल है वो स्वामी को प्राप्त होता है। मतलब गलत हो या सही कार्य क्यों न हो स्वामी को भोगना पड़ता है उसका। जो जैसे कि बताया जा रहा ना कि सारा जो अपराध हो रहा है वो शिव जी के चरणों में हो रहा है, देवता ब्राह्मणों द्वारा सबके द्वारा। मतलब जैसे कि हम एक उदाहरण भी देखते हैं कि जैसे चारों जो कुमार है जब आते हैं वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने के लिए और वहां पे जय विजय उनको रोक देते हैं, और रोक देने पर ये जो ऋषि मुनि है ये बहुत बड़े ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है। दैट मीन्स वो भगवान को अच्छे से जानते हैं, पूरा ज्ञान है उनके पास। लेकिन क्या हुआ कि बाकी देखिए अभी वैकुंठ में 7 द्वार है, पहले 6 द्वार में उनको रोका नहीं गया लेकिन 7वें द्वार में उनको रोका गया। और यह भी बताया गया कि ये चारों कुमार ये पहली बार नहीं गए हैं, वो हमेशा जाते रहते थे भगवान के वैकुंठ दर्शन के लिए। लेकिन यहाँ पे जब उनको रोका गया जय विजय के द्वारा तो ये रोकने का भी एक कारण बताया गया कि भगवान लीला करना चाहते थे। जैसे कि भगवान जो है वीर्य रस का आस्वादन करना चाहते थे, तभी उनका साथ का बराबरी में टक्कर होती है तो ज्यादा मजा है। एक मतलब बहुत धष्टपुष्ट है और एकदम एकदम सुकड़ा व्यक्ति है तो वहां पे जो कुश्ती का युद्ध होता है तो मजा नहीं आता है। तो जब भगवान को ये वीर्य रस का आनंद लेना था तो इसलिए भगवान ने उस परिस्थिति में ये चारों कुमारों को जय विजय के द्वारा रोक दिया। और वहां पे हम लोगों ने देखा कि कितना जय विजय द्वारा वो रोकने पर ये ज्ञानी होने पर भी वो क्रोधित हो गए। दैट मीन्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितना ही ज्ञानी क्यों न हो, कितना बड़ा योगी क्यों न हो, कितना बड़ा ध्यानी क्यों न हो, लेकिन ये जो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसके द्वारा वो मोहित हो ही जाते हैं। मतलब ये 3 गुणों के प्रभाव में आ ही जाते हैं। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं वो कभी भी 3 गुणों के प्रभाव में नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ इस प्रसंग हम देख रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि ये ऐसे छोटे छोटे बच्चे के रूप में नंगे नंगे बिना वस्त्र पहने हुए ये जो ऋषि कुमार है, ये जो पुत्र है, वो ये कैसे अंदर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो भगवान के भक्त है जय विजय, वो उनको पूरा ज्ञान है लेकिन ये लीला के लिए उनको माया द्वारा ढक दिया गया था। और जब उनका रोका जाना जय विजय द्वारा ऋषि कुमार मतलब ये सनत कुमारों को रोका जाना, एक प्रकार से उन्होंने अपने आप का अपमान महसूस किया और वो सोचा कि भगवान के भक्त कैसे हमें रोक सकते हैं। और जब वो रोके गए तो वो तुरंत क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया। और इस प्रकार देखते हैं, और जब ये सब श्राप हो जाता है चारों कुमार ब्राह्मण को ये जय विजय को श्राप देते हैं तो भगवान तुरंत दौड़ दौड़ कर आते हैं। अभी भगवान देखिए, भगवान सर्वज्ञानी है, सर्वत्र उपलब्ध रहते हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, तो भगवान पहले भी आ सकते थे, राइट? क्योंकि उनको पता है कि चारों कुमार आ रहे हैं और ये भगवान बुद्धि देने वाले भगवान ही है। और ये चारों कुमार आने पर जय विजय के ऊपर ये बुद्धि का प्रभाव दिखाने वाले भी भगवान ही है। तो भगवान ने ये क्यों किया? क्योंकि भगवान को ये सब लीला करनी थी कि ये चारों कुमार इन दोनों को श्राप दे और वो इस जगत में आकर मुझे इनके साथ में युद्ध करना है। जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में वो आएंगे
और वो अलग अलग लीलाएं करेंगे और मैं उनके साथ में लीला करके यहाँ पे मुझे वो वीर रस का आस्वादन करना है। और जहां पर वो सोच रहे हैं कि ये जो चारों कुमार है वो सोच रहे हैं कि भगवान के भक्त ऐसे क्रोधित कैसे हो सकते हैं और वो अपमानित कैसे कर सकते हैं हमें, तो जब ये अपमानित हो रहे हैं तो ये कैसे हो रहा है, जब चारों कुमार बोल रहे हैं तो जैसे भगवान दौड़ दौड़ के आते हैं, दैट मीन्स वहां पर बताया जाता है कि आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आचार्य टीका करते हैं कि जब वो चारों कुमारों का जय विजय द्वारा रोका जाना, जो ये जो अपमान है ये सीधा सीधा भगवान को लगता है, मतलब एक स्वामी सेवकों द्वारा किया गया जो भी कार्य है उसका जो फल है स्वामी को भुगतना पड़ता है। और जैसे कि उनको अब श्राप मिल गया चारों कुमारों द्वारा कि इस धराधाम में आपको आना है, तो भगवान को भी आना आना पड़ा ही है ना अपने भक्तों की रक्षा के लिए। तो इस प्रकार देखते हैं कि यहाँ पे शिव जी तो इसी यज्ञ में गए नहीं थे लेकिन अनुचर गए थे, तो जो भी कार्य हुआ तो ये स्वामी को फल उसका भोगना पड़ता है। और यही बात इसलिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि शिव जी द्वारा नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया था जो यज्ञ था, लेकिन शिव जी वहां पर नहीं गए थे तो स्वामी को ये भुगतना पड़ता है। और इसलिए यहाँ पे सब बता रहे हैं कि ये जो यज्ञ जो नहीं हो रहा था उसको अभी संपन्न करना है, और इसलिए देवताओं सहित ऋषि गणी सहित ब्रह्मा जी शिव जी के पास आए हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब एक वैष्णव के प्रति, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है जो भगवान को कभी भी भूलते नहीं है, ऐसे वैष्णव के प्रति जब अपराध होता है तो हमारे आचार्य हमें सिखाते हैं कि सीधा सीधा उनके चरणों में गिरना है और अपने आंसू से उनके चरण कमल धोना है और गिड़गिड़ाना है, याचना करना है कि हमने जो अपराध किया है उसको आप बड़े हृदय से क्षमा कर दीजिए। और ये वैष्णव का गुण यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैष्णव हमेशा क्षमाशील होता है, वो कभी भी कोई किया गया अपने प्रति किया गया अपराध को वो कभी भी अपराध नहीं मानते हैं, कोई भी अपमान को अपमान नहीं मानते हैं, क्योंकि जो भगवान के जो भक्त होते हैं शुद्ध भक्त स्तर पर होते हैं वो हमेशा ही अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में होते हैं, तो इसलिए उनको मान अपमान सुख दुख जो भी द्वंद है वो हमेशा उसके परे होते हैं, तो उनको ये याद भी नहीं रहता है कि किसने मेरे विषय में क्या बोला, किसने कटु शब्द किए, किसने क्या बोला, किसने अपमान किया, किसने मान दिया, किसने सम्मान दिया, किसके द्वारा मुझे दुख प्राप्त हुआ, ये कभी भी वो याद नहीं रखते हैं। और ये ब्रह्मा जी अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए सभी को लेकर वो शिव जी के चरण में गए हैं। और हम सब देख रहे हैं कि कैसे शिव जी अपने क्रोध को नियंत्रण करते हुए शांत रूप से वहां पर तपस्या में लीन है, और वहां पे हम देख रहे हैं कि कैसे वो महर्षि नारद सभी महर्षि गुणी सनत कुमार आदि के साथ में वहां पे वेदों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। और यह सब देखकर ब्रह्मा जी सहित सारे देवी देवता आश्चर्यचकित होते हैं कि कैसे वो, उनको पता है कि कैसे उन्होंने अपनी पत्नी को, मतलब पत्नी वहां पे उनके साथ में नहीं है, अभी पत्नी का उनको संग नहीं मिलने वाला है, ये जानते हुए भी वो अपने पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में अपनी चेतना को स्थिर बनाए रखे हैं। ये सब वहां पे शिव जी दिखा रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो हमें हमेशा ही भगवान की भक्ति में रहना चाहिए, यही शिव जी यहाँ पे सिखा रहे हैं कि कितना भी जीवन में संकट क्यों ना आए हमें हमेशा अपनी चेतना को कृष्ण भावना भावी थी रखना है, मतलब हमें पूर्ण ये सोचना है कि ये अगर मेरे जीवन में ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है दैट मीन्स यहाँ पे भगवान का कोई प्लान है, भगवान का कोई आयोजन है, इसलिए मेरे जीवन में ये सब दुख आना आ रहा है, यही शिव जी हमें सिखाना चाहते हैं कि जब एक वैष्णव के जीवन में दुख आता है, बहुत बड़ा कष्ट आता है, उसको फेस करने का सामर्थ्य भी भगवान ही देते हैं, और इसको वैष्णव जान लेता है कि जरूर भगवान की इसका कोई प्लानिंग है, जरूर मेरे जीवन में कुछ होने वाला है, इसलिए भगवान मेरे जीवन में ऐसी सारी समस्याएं या कष्टों को प्रदान कर रहे हैं, ये सब जान जाते हैं।
और यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी यहाँ पे सारे जो देवता है, ब्रह्मा शिव आदि सारे जो देवता है दक्ष प्रजापति के उस स्थान पे जा रहे हैं जहाँ पे यज्ञ का आयोजन होने हो रहा है। और अभी सभी जन क्या कर रहे हैं कि शिव जी को अभी लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके बिना कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे वो शब्द विशेष शब्द कहा गया है शिवहीन यज्ञ, मतलब या यहाँ पे इस भौतिक जगत में हो या अध्यात्मिक जगत में हो जो कोई भी यज्ञ संपन्न होता है उसमें विशेष करके शिव जी का उपस्थित होना बहुत आवश्यक होता है। मतलब शिव के बिना कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं किया जा सकता, मतलब उसकी पूर्णाहुति हो ही नहीं सकती। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी यज्ञ शिव जी के बिना असफल रहता है। जबकि कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो है यज्ञेश्वर है, यज्ञेश्वर है लेकिन फिर भी सभी देवी देवता क्या है भगवान के एक अंग है, एक अवयव है। तो मतलब ऐसे नहीं होता है ना कि शरीर जो है तो शरीर का कोई एक हिस्सा अलग कर दिया जाए और बाकी सारे अवयव वहां पे है लेकिन एक हिस्सा अलग कर दिया जाए तो वो पूर्ण नहीं हो सकता ना। वो शरीर पूर्ण कहा जाएगा क्या? नहीं कहा जाएगा। इसी प्रकार जब तक शिव जी या ब्रह्मा जी या विष्णु वहां पर नहीं होंगे, मतलब कोई भी छोटा हो बड़ा हो कोई भी देवता वहां पर उपस्थित नहीं है तो वो यज्ञ कभी भी सफल नहीं हो सकता है। और यही बात यहाँ पे बताया जाता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान विष्णु यज्ञेश्वर है तो भी प्रत्येक यज्ञ में आवश्यक होता है कि सभी देवता जिनमें ब्रह्मा तथा शिव जी प्रमुख है वो उपस्थित होने चाहिए। और सभी यज्ञ का उद्देश्य क्या है? भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। और ये सब कुछ हमें बताया गया है, ये स्वयं भगवान बता रहे हैं भगवद गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या कौन सा है, हाँ श्लोक संख्या 9 से लेकर 12, 13, 14 तक बताया जा रहा है, 15 तक, मतलब तीसरा भगवद गीता का तीसरा अध्याय 9 से लेकर 15 तक बताया जाता है कि यज्ञ क्या है और यज्ञ क्यों संपन्न करना है, यज्ञ संपन्न करने की विधि क्या है, उसका क्या प्रयोजन होना चाहिए और किस प्रकार से यज्ञ संपन्न करने से हमें क्या फल प्राप्त होते हैं। तो यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है। तो श्लोक संख्या 9 में बताया जा रहा है यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अनुवाद में श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, मतलब यहाँ इस जगत में हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो क्या होता है भगवान विष्णु के लिए कर्म को यज्ञ स्वरूप मानना चाहिए, मतलब जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसको यज्ञ के स्वरूप मानना चाहिए। यही बात यहाँ पे बताया जा रहे हैं। अन्यथा कर्म द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है, मतलब जो भी कर्म कर रहे हैं उसको यज्ञ स्वरूप मानना है और यज्ञ का उद्देश्य है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। अगर ये उद्देश्य रखकर हम कर्म कर रहे हैं, यज्ञ स्वरूप कर्म करेंगे तो हम कोई भी जीव इस भौतिक जगत में नहीं फंसेगा। अन्यथा अगर उसका प्रयोजन भगवान विष्णु को प्रसन्न करना नहीं है, अपनी इंद्रिय तृप्ति है, तो वह हमेशा ही बंधन में फंसेगा। जैसे कि बताया जाता है कि जो सकाम कर्मकांडी है वो क्या करते हैं अपने उद्देश्य के लिए अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, मतलब यज्ञ करते हैं। जैसे ज्योतिषम यज्ञ है उसके द्वारा क्या होता है स्वर्ग की प्राप्ति का चाहते हैं या पुत्र उत्पत्ति के लिए, धन के लिए, ऐश्वर्य के लिए अनेक अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं। तो उसके लिए जो वो यज्ञ करते हैं सकाम कर्मी जो यज्ञ करते हैं उनका उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना नहीं है, अपने आप को प्रसन्न करना है, अपनी इंद्रियों को तृप्ति कर प्रसन्न करना है, अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए उद्देश्य होता है। इसलिए वो सकाम कर्मी जो है वो बंधन में फंस जाता है क्योंकि उनका उद्देश्य यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है अपनी इंद्रिय तृप्ति, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना नहीं है। लेकिन जब यही कर्म जब हम भगवान विष्णु के लिए करेंगे तब वो कर्म का प्रयोजन बदल जाता है और वहां पे वो अपनी संतान के लिए या अपने स्वर्ग प्राप्ति के लिए कभी भी यज्ञ नहीं करेगा।
जब वो उसका प्रयोजन भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि इस प्रकार से कर्म करेंगे तो हम सदा ही बंधन मुक्त रहेंगे। और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु, सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है, वेदों के आदेश है यज्ञ वही विष्णु हो। दूसरे शब्दों में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्णा भावनामृत यज्ञ ही है। दैट मीन्स देखिए, अभी इस जगत पे हम देखते हैं कि भक्त भी रहते हैं और अभक्त भी रहते हैं। देखा जाए तो ऊपरी तौर से भक्त का कार्य और अभक्त का कार्य दोनों ही समान रूप से देख सकते हैं, राइट? वो भी खाना खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं, हम भी ऑफिस जाते हैं, हम परिवार का पालन पोषण करते हैं, सब कुछ कार्य करते हैं। अभक्त भी यही कार्य करता है, लेकिन उनका कार्य करने का प्रयोजन अलग होता है और हम भक्तों का कार्य का प्रयोजन अलग होता है। हमारा प्रयोजन क्या होता है? कृष्ण भावना भावित में स्थिर होकर कार्य करना। और ये जब हम कृष्ण भावना भावित में भगवान को ही केंद्रित रखकर भगवान की प्रसन्नता के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, तो ये क्या होता है? ये कर्म यज्ञ कर्म कहलाता है, लेकिन अभक्तों के लिए वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है, तो इसलिए वो बंधन में फंसते हैं। और कृष्ण भावना भावित में जो भी कार्य करते हैं, हम बंधन में नहीं फंसेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कृष्ण भावना भगवान को प्रसन्न करना। तो इसलिए हम देखते हैं कि चाहे व्यक्ति भक्त जिस किसी आश्रम में हो या वर्ण में हो, उसका उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, तो वो बंधन में नहीं फंसने वाला है। यही बात इस श्लोक में बताया जा रहा है। और श्लोक संख्या 10 में बताया जाता है कि ये जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो प्रजापति सभी प्रजा के स्वामी, अभी प्रजापति जो है यज्ञपति भी है, क्योंकि विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा, उनसे कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। अभी भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सृष्टि तो उन्होंने कर दी है, जीव की इच्छा के लिए भगवान ने सृष्टि की है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जीव की इच्छा क्या है? स्वामी बनना। लेकिन भगवान ने इसलिए जीव की जो इच्छा है, भोगने की जो इच्छा है, स्वामी बनने की जो इच्छा है, उसको पूरा करने के लिए सब कुछ सुविधा प्रदान कर ली है। तो इसलिए देवी देवता सारी सृष्टियों की रचना की है, और साथ ही साथ उन्होंने यज्ञों की भी सृष्टि की है। यज्ञों सहित उन्होंने यह सारी सृष्टि की है। मतलब क्यों बताया जा रहा है कि ये जो तुम इस भौतिक जगत में आके रहने वाले हो, यहाँ आकर आपको फंसे नहीं रहना है, वापस मुझे प्राप्त करना है, तो इसलिए आप अलग अलग प्रकार के यज्ञ करने होते हैं। जैसे सकाम कर्मी होते हैं और ध्यानी होते हैं, ये ज्ञानी होते हैं, तो इनके अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं। लेकिन जो सामान्य जीव है, इसी जगत में तभी सुखी बन सकता है जब वो भगवान के लिए यज्ञ कर्म करेगा, अन्यथा वो हमेशा इस दुख पूर्वक स्थिति में रहेगा और कभी ही भी वो मुक्ति के प्रति प्रयास नहीं कर पाएगा। लेकिन भगवान द्वारा जो आदेशित यज्ञ हम करेंगे, तो हमेशा हम मुक्ति की ओर अग्रसर करेंगे। यही बात यहाँ पे इस श्लोक में बताया जाता है। और जैसे कि बताया ना कि भगवान कौन है? स्वयं यज्ञेश्वरी, यज्ञपति कहा गया है। और यज्ञपति इसलिए है क्योंकि सर्वश्रेष्ठ यज्ञ का उद्देश्य यही है कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। श्लोक संख्या 11 में बताया गया है कि अभी देखिए, जो लोग यज्ञ करते हैं तो उनके अलग अलग इच्छाएं होती है ना। जैसे सकाम कर्मी है तो कुछ फल प्राप्ति के लिए होते हैं, और कुछ ऐसे भी यज्ञ करने वाले होते हैं जो देवता को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। तो कुछ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्यों कार्य किया जाते हैं? क्योंकि यही बात यहाँ पे बताया जाता है श्लोक संख्या 11 में कि यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी।
अभी कुछ यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इस जगत में कभी कभी बारिश नहीं होती है, बारिश नहीं होती है तो क्या किया जाता है, सभी जगह यज्ञ का आयोजन किया जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, वरुण देव इंद्र देव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाता है। और जब यज्ञ किया जाता है तो यहाँ पे उद्देश्य क्या है, देवताओं को प्रसन्न करना। और यहाँ पे भगवान स्वयं बताते हैं कि जब ऐसे यज्ञ करेंगे तो आप और देवताओं के बीच में क्या होगा, एक रिलेशन स्थापित हो जाएगा, जिससे आप भगवान देवताओं को प्रसन्न करेंगे। और जब देवता प्रसन्न हो जाएंगे तो उनके द्वारा जो भी सुविधा है वो हमें प्राप्त होंगी। जैसे सूर्य के लिए यज्ञ करेंगे, सूर्य के प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो हमें क्या होगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। इंद्रदेव के लिए हम यज्ञ करेंगे तो वो क्या करेंगे, बारिश प्रदान करेंगे, जिससे हम हरी भरी घास, यहाँ पे पानी की असुविधा नहीं होगी। तो इस प्रकार से वेदों में अलग अलग प्रकार के यज्ञ का प्रयोजन बताया गया है कि जिससे द्वारा हम देवताओं को प्रसन्न कर सकेंगे, और देवताओं के प्रसन्न के द्वारा हमें अलग अलग सुविधा प्राप्त हो जाती है। और यहाँ पे बताया जाता है कि किस प्रकार देवता प्रसन्न होके हमारी पूर्ति करते हैं। तो इसको 12वें श्लोक में बताया गया है कि जब हम देवताओं के जीवन की विभिन्न आवश्यकता पूर्ति के लिए देवताओं के लिए यज्ञ करेंगे तो वो क्या होंगे, हमारी सारी आवश्यकता पूरी करेंगे। लेकिन जब ये आवश्यकता पूरी करने के लिए हम वो सारी जो सुविधा प्रदान करेंगे, और इसकी जो सुविधा हमें प्राप्त हुई है उसको जब हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए करेंगे तो देवता भी प्रसन्न नहीं होंगे। वो भी सोचेंगे, अरे हम लोगों ने ये सारा सुविधा इसलिए दिया है कि जीव जो है ये सुविधा को प्राप्त करके भगवान को स्मरण करे, भगवान के पास वापस लेके जाना ही सभी का देवी देवता का उद्देश्य होता है, इसलिए तो वो सुविधा प्रदान करते हैं ना। इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि अनुवाद में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। मतलब वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहा है, उसका ये नहीं सोच रहा है कि इन देवताओं ने हमें सुविधा प्रदान की है तो उनका भी यहाँ पे कोई श्रेष्ठ कार्य है जिसके द्वारा ये हमें सुविधा प्रदान कर रहे हैं। और जैसे कि बताया जाता है कि अलग अलग देवता जो है ये सुविधा इसलिए प्रदान करते हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है, यहाँ तक कि अपने उत्पादन उद्यमों के लिए कच्चे मालों की आवश्यकता होती, या तो धातु, गंधक, पारद, मैग्नीज तथा अनेक अन्य आवश्यक वस्तुएं जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम उनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त कर सके। तो ये सुविधा इसलिए दिया जाता है कि हमारा जो जीवन का उद्देश्य है भगवान का विषय में जानना, मतलब आत्म साक्षात्कार को स्तर पर आना, और हमारा उद्देश्य क्या है, मुक्ति प्राप्त करना, और इसको संपन्न करने के लिए ये सारी सुविधा देवता प्रदान करते हैं। और यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। ये स्पष्ट रूप से श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमें यज्ञ संपन्न क्यों करना है, मतलब भगवान की प्राप्ति के लिए हमें ये सारे यज्ञ करने होते हैं। और जब हम ये हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए करेंगे तो हम क्या कहे जाएंगे, हम चोर कहे जाएंगे। और जब चोर मतलब हम अपराध करेंगे देवी देवताओं के प्रति, हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए इस सुविधा का उपयोग करेंगे तो हम अलग अलग प्रकार से दंडित हो जाएंगे। दैट मीन्स पहला तो दंड यह है कि हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे, और दूसरा दंड बताया जाता है कि हम क्या हो जाएंगे, हमारे जीवन में अनेक अनेक कष्ट आएंगे, दुख के रूप में अनेक अनेक असुविधाएं हमें प्राप्त होंगी, मतलब शारीरिक, मानसिक तथा कायिक अनेक अनेक प्रकार की असुविधाएं हमें दुख के रूप में प्राप्त होती रहेंगे। इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि हमें ये सारी जो सुविधा है
केवल भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही करने होते हैं। आगे बताया जाता है 13वें श्लोक में कि ये जो हम पाप अगर कर्म करते हैं तो इसको कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। अभी बताया जा रहा है कि जो भगवान के भक्त है वो कभी भी पापों में नहीं फंसते, क्योंकि उनको पता है कि भगवान ने ये जो सारी देवी देवता के द्वारा जो सुविधा प्रदान की है उसका उद्देश्य भगवान को ही प्रसन्न करना है, और इसके द्वारा जो भी यज्ञ में अर्पित भोजन को खाते हैं तो वो कभी भी दुख में नहीं फंसेंगे, किसी प्रकार के भव बंधन में वो नहीं फंसेंगे। और ये इसको जानना बहुत आवश्यक होता है। जैसे एक अभक्त होता है, वो अपनी जो भी सुविधा है उसका गलत इस्तेमाल करके वो फंसा रहता है, लेकिन उसको अगर मुक्त होना है तो भगवान को ही अर्पित करना होता है। और वो जैसे कि यहाँ पे जो भक्त है वो अपनी इंद्रिय सुख के लिए कोई कार्य नहीं करता है, भगवान के लिए ही ये सारे कार्य करता है। अभी यहाँ पे चक्र बताया गया है कि आगे के श्लोकों में 14 और 15 में कि कैसे यज्ञ संपन्न करने से क्या होता है। जैसे बताया जा रहा है 14 श्लोक में, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है, और वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों द्वारा उत्पन्न होता है। दैट मीन्स अभी उल्टा शुरू करेंगे, हम मनुष्य है तो हम क्या करेंगे, पहले हमें यज्ञ करना होता है। जैसे लास्ट वर्ड में प्रभुपाद लिख रहे हैं, यज्ञ नियमित कर्मों द्वारा उत्पन्न होता है। दैट मीन्स हमें नियमित करना करना ही हमारे लिए यज्ञ कहा जाता है। और इससे क्या होता है, जब यज्ञ संपन्न करेंगे तो वर्षा होगी। जैसे कि हम लोगों ने अभी अभी एक बहुत बड़ा यज्ञ संपन्न किया, हाँ, श्री भगवान नरसिंह चतुर्दशी के दिन बहुत बड़ा यज्ञ संपन्न किया। तो हम लोगों ने अनुभव किया होगा, कहीं कहीं जगह पे बारिश भी हुई है। और मैं यहाँ का अनुभव बताती हूँ कि यहाँ पे मेरे घर से जो गोविंद धाम मंदिर है, श्री श्री राधा गोविंद जी का मंदिर जो है, 3 किलोमीटर है, 3.5 किलोमीटर है, लेकिन उस समय वहां पे यज्ञ हो रहा था तो केवल मंदिर के ऊपर ही वर्षा हो रही थी। और मैं तो मंदिर में थी, मेरे प्रभु जी घर में थे, और प्रभु जी को आए बाद में यज्ञ के समय में, तो यहाँ पे पूरी तरह से धूप है, कड़ाके की धूप है, 34 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे, 36 डिग्री टेम्परेचर है। लेकिन जैसे ही प्रभु जी मंदिर की ओर आ गए, आधा किलोमीटर थोड़ा बचा था तो उनको बहुत वर्षा, मतलब उनको रास्ते में रास्ता भी नहीं दिख रहा था, इतनी घनघोर वर्षा हो रही थी। और वहां पे यज्ञ शुरू हो गया था, प्रभु जी निकले थे 4 बजे, और यज्ञ शुरू हो गया था, 3:30 को यज्ञ शुरू हो गया था। तो हम देखते हैं कि वो जब नरसिंह यज्ञ हो रहा था केवल मंदिर का एरिया में, 1 किलोमीटर के एरिया में वर्षा हो रही। तो दैट मीन्स हम देखते हैं कि ये जब यज्ञ किया जाता है तो देवी देवता प्रसन्न होते हैं। यही बात यहाँ पे हम बता रहे हैं, मतलब शास्त्र के में जो बताया गया है वो हम साक्षात अनुभव भी कर रहे हैं। इसलिए हमें क्या है कि हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। और यहाँ पे देखते हैं, यज्ञ संपन्न करने से वर्षा होती है, और जब वर्षा उत्पन्न होती है तो अन्न पदार्थ उत्पन्न होते हैं इस पृथ्वी पर। घास उगती है, धन धान्य उगता है, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सारा जीव जो है अन्नमय है, तो ये अन्न पर ही आश्रित होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम नियत कर्म द्वारा यज्ञ करेंगे तो वर्षा होगी, और वर्षा से अन्न उत्पन्न होगा, और अन्न उत्पन्न होने से ये मनुष्य जीवन हम सुचारू रूप से, मतलब उसको धष्ट पुष्ट बना सकते हैं, और हमारा जो जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, उसको हम पूर्ण कर सकते हैं। और इसलिए ये सारे यज्ञ हमें बताए गए गए हैं। और ये क्या है, इससे सारे क्या होता है, जैसे कि प्रभुपाद जी तात्पर्य भी लिख रहे हैं कि अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल, फूल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थ के उच्चिष्ट को खाते हैं। मतलब फल फूल जो हम खाते हैं तो बचा हुआ जो उच्चिष्ट है, मतलब पत्ते हैं, टहनियां हैं, जो मूल है, कंद है, वो सारे पशु पक्षी खाते हैं। और इस प्रकार
बताया जा रहा है कि जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त है उन्हें भी शाक के उत्पादन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। मतलब मांस खाने वाले जो जीव है, जो मनुष्यगण, खास करके मनुष्य के बारे में बता रहे हैं कि जो मांस, वो सोचते हैं ना बारिश की क्या आवश्यकता है, हमें घास फूस खाने की क्या आवश्यकता है, लेकिन वो ये समझ नहीं रहे कि जिसका मांस हम खा रहे हैं वो जो पशु है वो भी घास पर ही निर्धारित है। जब तक उनको घास नहीं मिलेंगे तो ये जीव भी तो बढ़ेंगे नहीं ना। अगर वो जीव नहीं बढ़ेंगे, उनकी वंश नहीं बढ़ेगा, तो ये लोग मांस कैसे खा पाएंगे। इस चक्र को वो समझ नहीं पा रहे, और यही ये बात यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मांस खाने वाले हैं वो उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंततोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। अभी फैक्ट्रियों का उत्पादन क्या होता है, लोहे के अलग अलग पदार्थ बनाते हैं, राइट। वो लोहे खाकर कोई जीवित नहीं रह सकता है, उसको घास ही खाना होता है। मतलब इन घास पोस पर ही उत्पन्न जो भी उत्पन्न होता है उसके ऊपर ही निर्भर रहता है। खेतों का उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। अभी देखिए, इंद्र क्या करते हैं, वर्षा करते हैं, और सूर्य करता क्या है, प्रकाश देता है, उष्णता दे देता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि साइंस में बताया जाता है कि सूर्य की उष्णता से ही पशु, जो पेड़ पौधे हैं, जो वृक्ष है, वो अपना खाद्य बना सकते हैं। और अगर वहां पे सूर्यदेव अगर उष्णता नहीं देंगे, प्रकाश नहीं देंगे, तो ये जो पेड़ पौधे हैं वो भी जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए सूर्य को भी प्रसन्न करना बहुत आवश्यक होता है। और यहाँ पे बताया जाता है कि चंद्र द्वारा जो शीतलता जो प्रदान की जाती है, और हम सब जानते हैं कि ये शीतलता की जो चंद्र की किरणें होते हैं वो क्या है, वो इन पेड़ पौधों को अलग अलग प्रकार से रस को प्रदान करते हैं। इन सूर्य चंद्र द्वारा रसों को प्राप्त किया जाता है अलग अलग पेड़ों में, और इसलिए हम देखते हैं कि ये जो औषधि विज्ञान है वो आयुर्वेद में बहुत बड़ा महत्व है, कि अलग अलग प्रकार की औषधि वनस्पतियां उसमें प्रयुक्त होती है, जिससे मनुष्य के जो अलग अलग प्रकार की बीमारियां है उसको वो निरस्त कर देती है। इसलिए सूर्य, चंद्र तथा इंद्रदेव, ये द्वारा इन देवों को प्रसन्न करना यज्ञ के द्वारा बहुत आवश्यक होता है। और यही देवता, और ये सारे देवता कौन है, भगवान के दास है, और भगवान को यज्ञ द्वारा संतुष्ट किया जा सकता है। अतः जो इन यज्ञ को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना पड़ता है, और यही प्रकृति का नियम है। मतलब प्रकृति का यह नियम है कि यज्ञ संपन्न करना ही होता है। अगर यज्ञ संपन्न नहीं किया जाता है तो इसके फल हमें भुगतने पड़ते हैं। जैसे बहुत बाढ़ आ जाती है, या मतलब दुष्काल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉट, मतलब कहीं पे भी पानी का अभाव हम देख सकते हैं। या तो बहुत वर्षा होती है, या तो पानी का पूर्ण रूप से अभाव देखा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस भौतिक जगत में, इस कलियुग के जगत में हम देख रहे हैं कि बहुत यज्ञ का अभाव होता है। और यहाँ पे इस भौतिक जगत में हम देख रहे हैं कि इस अभाव से बचने के लिए हमें क्या करना है, यज्ञ संपन्न करना है। और यहाँ पे बताया जाता है कि हमें यज्ञ द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। और इस कलियुग में हमें अभी यज्ञ संपन्न करने के लिए, देखिए अभी दक्ष प्रजापति के पास इतना ऐश्वर्य था इसलिए वो इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन कर सके। अभी अभी हम लोगों ने नरसिंह यज्ञ का अनुभव किया कि कितना वहां पे सामग्री की आवश्यकता होती है, भूमि की शुद्धता की आवश्यकता होती है, उसके लिए जो संविदा होती है वो शुद्ध होनी चाहिए, उसके लिए ब्राह्मण शुद्ध होने चाहिए। यज्ञ संपन्न करने के लिए अनेक अनेक बहुत सारी आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, ब्राह्मण की आवश्यकता होती है, शुद्ध भूमि की आवश्यकता होती है। लेकिन कलयुग में हम बोल नहीं सकते कि जिस घर में हम रह रहे हैं वहां पे पहले क्या था, कूड़ा करकट का स्थान था, या
क्या था हम सब नहीं जानते। दैट मीन्स हम यह नहीं बोल सकते कि यह भूमि जहां पर हम रह रहे हैं वो पहले से ही शुद्ध भूमि है, ये नहीं बोल सकते। और आजकल के ब्राह्मण भी हम सब देखते हैं कि कलयुग के ब्राह्मण जो है भले ही वो यज्ञ संपन्न कर रहे हैं लेकिन वो चारों नियमों का पालन नहीं करने वाले होते हैं। और बताया जाता है कि ये जो यज्ञ संपन्न करने के लिए जो ब्राह्मण होते हैं वो इतने शुद्ध होते थे कि मंत्रों के द्वारा अग्नि को उत्पन्न कर सकते हैं। अभी आजकल ऐसे ब्राह्मण दिखाई भी नहीं देते हैं, तो इस प्रकार शुद्ध ब्राह्मण की भी कमतरता हम देखते हैं। तो इसलिए भगवान विष्णु देख रहे हैं कि जीव कितना मंदभागी है, कितना अभागी है, और इस कलयुग में हमेशा ही कलह होता है। और पद पदम यद विपदम, एक एक पद पर विपदा है, एक एक पद पर संकट आने वाला है। तो ऐसे जीव कैसे यज्ञ संपन्न कर सकते हैं? तो ये भगवान कृपालु है, दयालु है, और यही भगवान इस कलयुग में स्वयं चैतन्य महाप्रभु बनकर आते हैं और हमें बहुत सुंदर छोटा सा ही यज्ञ देते हैं, जिसके लिए ना ब्राह्मण की आवश्यकता है, ना किसी धन की आवश्यकता है, ना किसी स्थान की आवश्यकता है, ना किसी देश की आवश्यकता है, ना किसी पात्रता की आवश्यकता है, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। बस आप एक रेशम की डोरी उन्होंने हम लोगों को दे रखी है, हा? जिसके लिए पैसे की भी मतलब 1 रुपया भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं। आज आप किसी भी मंदिर में जाइए और वहां पे बोले कि हमें आपकी संस्था से जुड़ना है, तो जो भी ब्रह्मचारी जो भी भक्त है वो बिना पैसे के आपको एक माला पकड़ा देगा, एक भगवत गीता पकड़ा देगा और बोलेगा आपके लिए प्रसाद भी है, आप हर हफ्ते आइए और आपको सब कुछ फ्री में दिया जाएगा। तो अभी बताइए कि यहाँ पे ये हरि नाम करने के लिए एक भी पैसा की जरूरत है? नहीं है, बस आपको वहां पे आना है। इसलिए ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि वो इस कलयुग में अवतरित हुए। और किस प्रकार से अवतरित हुए वहां पे शास्त्रों में बताया गया कि कृष्ण वर्णम तिष्ठा कृष्णम सांगो पांगास पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजन्ति ही सुमेधसा। अभी ये भगवान के है कि इस कलयुग में उन्होंने देखा इस कलयुग में जीव कैसे है, पर्याप्त बुद्धिमान नहीं है, दैट मीन्स पूर्णतः मूढ़ है, मतलब उसको बुद्धि हीन समझ जाता है इस कलयुग के जीव को। और कैसे है वे भगवान स्वयं कैसे है, अपने पार्षदों सहित आते हैं और वो क्या करते हैं, संकीर्तन द्वारा यज्ञ संपन्न करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे। और ये जो बुद्धिमान जो है इस कलयुग में जिसके पास बुद्धि है वो क्या करेंगे, ये सारा संकीर्तन को जो संकीर्तन आंदोलन है उसमें सम्मिलित होंगे। और ये जो संकीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो संकीर्तन महामंत्र ये रेशम की डोरी जो दी है इसको पालन करके भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। और हम इसका ये भी देखते हैं कि बहुत प्रभुपाद के समय में जब प्रभुपाद जी इस धराधाम पर उपस्थित थे तो बहुत सारे जगह पे ऐसा हुआ था कि बहुत सारे भक्त बोलते थे कि महाराज जी आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे वर्षा नहीं हो रही है। तो जब भी प्रभुपाद जहाँ कहीं भी जाकर संकीर्तन यज्ञ करते थे तो वहां पर तुरंत वर्षा होती थी, ये सबका अनुभव है। और बहुत सारे अभी भी प्रभुपाद जी का जो शिष्य है शिष्य रूप में अभी गुरु के रूप में उपस्थित है, वे भी जहाँ कहीं भी जाते हैं यज्ञ संपन्न करते हैं तो वहां पे अवश्य ही वर्षा होती है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा इस संकीर्तन महायज्ञ को जब हम संपन्न करेंगे तो हमारे जीवन में सारी सुविधाएं जो उपलब्ध की गई है उसका हम सही तरह से उपयोग करके हम आत्म साक्षात्कार के स्तर पर स्थित होकर मुक्ति के स्तर पर इस भौतिक जगत में रहकर ही हम मुक्त हो सकते हैं। और ये इतनी शक्ति है वो रेशम की डोरी, अभी रेशम में कोई शक्ति नहीं होती, उसको खींच लो वो टूट जाएगा, लेकिन कहा जाता है कि ये हरिनाम महामंत्र जो 16 अक्षरीय है, 16 अक्षरी जो महामंत्र जो जप करता है वो क्या है, वो रेशम के डोरी से हम 84 लाख योनियों में घूम कर आए हैं, उस जन्म जन्मों में हम कितने प्रकार के पाप कर्म किए हैं उसका जो पहाड़ है उसको वो काट लेता है।
ये छोटी सी रेशम की डोरी, इसलिए कहा जाता है कि इसको हमें ये हरि नाम महामंत्र का यज्ञ संपन्न करना है, जिसके द्वारा हम भगवान को प्रसन्न करेंगे ही, लेकिन हम भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये इस महामंत्र में शक्ति है। और इस जो ये जो महामंत्र है, इसके जो 16 अक्षर है, इसके एक-एक अक्षर में क्या-क्या है, इसको हम जानने के लिए प्रयास करेंगे। तो इसके लिए एक बुक है, श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन नाम रूप गुण लीला धाम, ये हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी द्वारा रचित बुक है। तो इसमें नाम मैं बताती हूँ कि श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन, ये अभी अभी 2 साल पहले लोकनाथ स्वामी महाराज ने ये बुक लिखा है। तो उसमें भगवान कृष्ण की जो नाम है उसके ऊपर उन्होंने महिमा लिखा है। उसमें ये जो हरि नाम है, इसका एक-एक वर्ड का, एक-एक शब्द का अर्थ बताया गया, तो उसको हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो 16 अक्षर ही है, इसमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहला हरे जो है, तो इसमें लिखा है मत चित्वम ऋत्वा बंद भव बंदन मोचय, मतलब हे हरे मेरे चित्त को हर कर मुझे भव बंधन से मुक्त कर दीजिए। दूसरा है कृष्ण मत चित्त आकर्ष, हे कृष्ण मेरे चंचल चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लीजिए। हरे स्वमाधुर्य न मत चित्तम हरह, हे हरे आपने स्वाभाविक माधुर्य से मेरा चित्त हर लीजिए। कृष्ण स्वभक्त द्वारा भजन ज्ञान दाने न मत चित्त शोधय, हे कृष्ण भक्ति तत्ववेत्ता अपने भक्त के द्वारा अपने भजन का दान देकर मेरे चित्त को शुद्ध बनाइए। कृष्ण नाम रूप गुण लीलादिशु मनिष्ठा कुरु, हे कृष्ण अपने नाम रूप गुण लीला आदि में मेरी निष्ठा उत्पन्न कर दीजिए। कृष्ण रुचि भवतु में, हे कृष्ण आपके नाम रूप गुण लीला आदि में रुचि उत्पन्न हो जाए। हरे निज सेवाय योग्यम माम कुरु, हे हरे मुझे आप अपनी सेवा के योग्य बना लीजिए। हरे हे स्वसेवा सेवाय आदेशय, हे हरे मुझे आप अपनी सेवा के लिए योग्य बनाकर अपनी सेवा का आदेश दीजिए। हरे हे स्वप्रेष्टन सह स्वाभिष्ट लीलाम माम श्रावय, हे हरे अपने प्रियतम के सहित की गई अपनी अभिष्ट लीलाओं का मुझे श्रवण कराइए। राम प्रेष्टया सह स्वाभिष्ट लीलायाम माम श्रावय, हे राम हे राधिका रमन आप अपनी प्रियतमा श्री राधिका के सहित की गई अपनी अभीष्ट लीलाओं का मुझे श्रवण कराइए। हरे स्वप्रेष्टेन सह स्वाभीष्ट लीलायाम माम दर्शय, हे हरे हे श्री राधिके आप अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ अपनी अभीष्ट लीलाओं का दर्शन कराइए। राम प्रेष्टया सह स्वाभिलिष्टा माम दर्शय, हे राम हे राधिका रमन आप अपनी प्रियतमा के साथ अपनी अभीष्ट लीलाओं के दर्शन कराइए। राम नाम रूप गुण लीला स्मरदानी स्मरणादिशु माम योजय, हे राम अर्थात अंतरंगा भक्तों के साथ क्रीड़ा करने वाले कृष्ण आप कृपया मुझे अपने नाम रूप गुण लीला आदि के स्मरण में संलग्न कर दीजिए। राम तंत्र माम निज सेवया योग्यम कुरु, हे राम अर्थात अंतरंग भक्तों के सुख देने वाले श्याम उस लीला में मुझे अपनी सेवा के योग्य बना लीजिए। हरे हे माम स्वान अंगीकृत रमस्व, हे हरे अपने एक दास के रूप में मुझे स्वीकार कर अपनी इच्छा अनुसार मुझमें आनंद प्राप्त करे। हरे हे मया सह रमस्व,
हे हरे, हे कृष्ण, कृपया मेरे साथ विशुद्ध क्रीड़ा कीजिए। आपके श्री चरणों में मेरी यही प्रार्थना है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी हरि नाम संकीर्तन का यज्ञ हमें करना है, जिससे हम जो सुविधा का जो हमें देवी देवता द्वारा सुविधा प्राप्त हुई है, उसका सही प्रकार से उपयोग कर सकते हैं और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और हमारे जीवन को अंतिम लक्ष्य है जो भगवान को प्राप्त करना, उसको भी हम साध्य कर सकते हैं। और यही बात शिव जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जीवों को यज्ञ संपन्न करना ही है, जिसके द्वारा वो स्वयं भी प्रसन्न होंगे, ब्रह्मा जी भी प्रसन्न होंगे, विष्णु भी प्रसन्न होंगे, और साक्षात गोलोक धाम वासी भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होंगे, और जिससे हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ये इस महामंत्र का यज्ञ संपन्न करना ही है। तो कृत रहा श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।